आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी और मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन मोनिश के साथ। और आज भगवानपुर के अंदर खानपुर के विधायक और हरिद्वार लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। अच्छी खासी भीड़ उनके साथ देखी जा रही है। एक के बाद एक रोड शो करके उमेश कुमार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। विपक्षी दलों में से यानी भाजपा और कांग्रेस में से अभी तक भी इस तरह का कोई जनसंपर्क अभियान शुरू नहीं किया गया है और उमेश कुमार हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और जनसमर्थन भी उनको भरपूर मिल रहा है। अभी मेरे पीछे जो मेरा कैमरामैन दिखाएंगे मोनिश आपको, कितनी भीड़ इनके साथ है, हर वर्ग का इनको समर्थन मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ नमस्कार सिटी में। जी क्या नाम है आप? जी संदीप कुमार। करते क्या हैं आप? जी टेलीकॉम शॉप है। तो उमेश कुमार जी की जो अभी ये आ रहा है रोड शो, जी उमेश कुमार जी जी इन पूरे चांस है जी। देखो मतलब वोट तो पब्लिक जो है कार्य पर देती है, ना कि किसी पार्टी को देख कर। और हमने देखा है कि निर्दलीय लड़े हैं और वहाँ से जीते हैं, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में काम कराया काफ़ी। तो यहाँ माहौल क्या है भगवानपुर में अभी, क्योंकि अभी तक ये एरिया कांग्रेस का रहा है? अभी तो माहौल को तो भाई बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके कार्य की जो कार्यशैली है उसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा पब्लिक को। तो जानकारी होगी तो रुझान भी बढ़ेगा पब्लिक का। तो आपको लगता है कि उमेश कुमार जी निकाल लेंगे यहाँ से बढ़िया वोट? हाँ वोट निकाल लेंगे, सीट का तो मैं पक्का नहीं कह सकता, क्यों भगवानपुर से वोट अच्छा, वोट अच्छी मिल जाएगी। हाँ समर्थन पूरा है, माहौल क्या है? माहौल तो उनका बहुत अच्छा है जी। यहाँ पे आप यहीं लोकल से? जी लोकल के। उनको मिल पाएंगे बढ़िया वोट? जी बढ़िया मिल पाएंगे। आप इस बार कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह गया, कांग्रेस तीसरे नंबर पर, सेकंड पे इनकी बीजेपी की और इनकी टक्कर है। उमेश कुमार तो फिलहाल जहाज वाले हेलीकॉप्टर वाले, हेलीकॉप्टर तो उड़ना ही उड़ना। बढ़िया समर्थन है यहाँ से? हाँ जी पूरा 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 साथ है जी इनके साथ। लगता है अच्छे वोट मिलेंगे आप? जी अच्छे वोट मिलेंगे, बढ़िया वोट। ये कांग्रेस का इलाका है सही मायनों में, तो कांग्रेस जीती है हमेशा विधानसभा इलेक्शन। क्या कांग्रेस के वोट कन्वर्ट हो जाएंगे इस बार? इस बार हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। लोग हेलीकॉप्टर वाले को भगवानपुर में उमेश कुमार जी, उमेश कुमार जी का अभी पूरा चर्चा है, उमेश कुमार ही अब की बार आएंगे इंशाल्लाह। ये भीड़ वोटर्स की है या ऐसे ही घूमने फिरने वालों की है? कन्वर्ट हो जाएगी वोट? सब कन्वर्ट है, पक्की बात है, पक्की बात है जी। और कांग्रेस को लेके बीजेपी को लेके क्या माहौल है? उनका तो कोई नाम निशान नहीं है यहाँ तो, उमेश कुमार है। उमेश कुमार, ममता राकेश जी या और कोई कर रहे हैं अपने इस तरह के रोड शो? देखो जी रोजगार तो चल ही रहा, मगर उमेश कुमार जी आगे और भी ज्यादा बढ़ेगा, और भी ज्यादा। तो यानी भगवानपुर पूरा साथ है उमेश कुमार? उमेश कुमार जी के साथ है, दिल खोल के साथ है, दिल खोल के साथ है। और युवा भी पूरे जहाँ तक नजर आ रही है, युवा। उमेश कुमार। हमारे यहाँ उमेश कुमार आए हैं और इनके जीते बचते रहे तो इंशाल्लाह इन्हें वोट मिलेगा। पूरे रमजान से बहुत कोशिश के साथ इन्हें सबको वोट मिलेगा, सबको इनको उमेश कुमार को सबका सबको वोट उमेश कुमार को मिलेगा। अरे सबका वोट ही नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह जीते बचते रहे तो। आप क्या कह रहे हैं? ये इनका विकास बोल रहा है, इनको जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। पक्की बात है बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन वोट डालने जाए बदल। दिलो जान से इनके साथ है। भगवानपुर का माहौल क्या है? वो भी बहुत अच्छा है, सब 80% उमेश कुमार जी के साथ है। यानी कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो खत्म हो रहा है? कुछ नहीं है खत्म बिल्कुल, उनका जो उमेश कुमार का जो क्या नाम विकास है और इनका व्यवहार, वो इनको लोकसभा जिताकर लेके जाएगा। अरे क्या लगता है उमेश कुमार जी का रोड शो देखते हुए, निकाल पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। बहुत अच्छा माहौल है उनके लिए और बहुत काफी वोट मिलेंगे उनको यहाँ से। अभी तक यहाँ से किसी निर्दलीय को ऐसे वोट मिलते नहीं थे, इस बार क्या रहे? नहीं 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 अभी किसी को नहीं मिले और अब की बार संभावना है कि उमेश के वोट मिलेंगे इन्हें, जो अपना काम कर रहे हैं उस पर वोट मिलेगा इन्हें, काम वोट मिलेगा।
मिलेगा। अभी तक कांग्रेस की सीट है विधानसभा में भी, उसको लेके क्या है यहाँ का माहौल? देखो हर बार कांग्रेस आती है, अब कैसे कभी देख लो जीत आ गए, यानी चेंज का मूड है इस बार यहाँ की जनता का मूड है जी, पूरा पूरा बदलाव आएगा इस बार यहाँ से जी। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। भगवानपुर की पब्लिक ने अभी कोई रुझान नहीं है, अभी कोई मन नहीं बनाया, अभी तो चुनाव बहुत लंबा है, अभी आने वाला कल बताएगा माहौल। फिर भी लगता क्या है कि इसके पक्ष में जाएगा? अभी देखते हैं, अभी तो सभी कैंडिडेट आएंगे और सभी का सम्मान है, भगवानपुर की जनता सभी का सम्मान करती है और करती रहेगी। वैसे तो वोट के लिए आने वाला कल बताएगा कौन किसके साथ जाएगा। आप देख भी रहे हैं हर वर्ग का साथ उमेश कुमार को आज भगवानपुर के अंदर मिल रहा है, लोग सेल्फियां भी खींच रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला दुकानदार हो या फिर बड़े दुकान वाला कोई भी बंदा हो, जहां से गुजर रहे हैं उमेश कुमार जी अपने काफिले के साथ, सभी लोग उनके साथ अपना फोटो खिंचवाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आज के माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, उमेश कुमार जी कम से कम भी यहाँ पे 2 लाख उठ से जीतेंगे, 100%। भगवानपुर की जो जनता है पूरी तरह साथ है, बिल्कुल परेशान है, उमेश जी के आने से सब खुशहाल हो जाएंगे यहाँ। बहुत अच्छे इंसान है उमेश कुमार जी। तो भगवानपुर का इस बार कांग्रेस का वोट बैंक खत्म होने जा रहा है, इसका मतलब मुझे? बिल्कुल खत्म खत्म है, बिल्कुल सब लोगों का साथ मिलेगा, सब छत्तीस बिरादरी का साथ है पूरा। अच्छा, और अभी बीजेपी कांग्रेस के भी रोड शो होने हैं? हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीड़ तो सभी के साथ इकट्ठी हो ही जाती है, वोट में बदलनी चाहिए। मैं कोर्ट किसे कौन किसे देगा वो तो जनता ही बताएगी ना, भीड़ तो कितनी हो जाए, भीड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ना, उमेश कुमार ही जीतेंगे पक्का 100%। उमेश कुमार जी। और मैं हरिद्वार की जनता का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, ये कभी भी मैं आपका ये जो एहसान मुझ पर है मैं नहीं उतार पाऊँगा। और ये जो हरिद्वार के सम्मान स्वाभिमान और हरिद्वार बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई और तेज़ी से आगे लड़ी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता ने ये ठान लिया है कि जो प्रवासी पक्षी यहाँ आते थे, 5 साल में एक बार चुप के चले जाते थे, उसके बाद दिखाई नहीं देते थे, शायद अब हम उन्हें उड़ाने में यहाँ से कामयाब होंगे और दोबारा वो प्रवासी पक्षी यहाँ नहीं आएंगे। सर, मिल रहे इस अपार जन समर्थन को देख के मन में क्या महसूस होता है? भाई कोई भी होगा उसको खुशी महसूस होगी। अभी 2 साल पहले आपने इसी तरह विधायकी का इलेक्शन जीता और अब लोगों की भीड़ एक तरह से हर तरह से आपके साथ है, क्योंकि विधानसभा एक छोटा एरिया था, लोकसभा बड़ा होता है। 2 साल में मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं लोगों का विश्वास जीत सकूं, हर बड़े छोटे हर तबके के व्यक्ति सर्व समाज के लोगों का काम कर सकूं, और मैंने सर्व समाज को साथ लेके चलने का जो प्रयास किया आज वो रंग लाया। आज हिंदू मुसलमान एक ही मंच पर खड़े होकर जो है मेरा सहयोग कर रहे हैं, आज हर बिरादरी का व्यक्ति हमारे साथ है, यही हरिद्वार की जीत है। हरीश रावत जी ने कुछ कमेंट किया था आप पे, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आपको भी पता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिस्टम है। अभी आप देख रहे थे कि उमेश कुमार जी से कुछ बातें हुई हैं और उन्होंने अपना वही डायलॉग दोहराया है, सिस्टम है। ये डायलॉग इनका बहुत अच्छी तरह से वायरल हो रहा है इनकी प्रसिद्धि के साथ साथ ही, कि हर बात में जो युवा वर्ग है आजकल वो रील भी बनाता है तो उसमें एक डायलॉग होता है सिस्टम है। सर, अभी आपका तो रोड शो चल ही रहा है और दूसरी पार्टीज़ कहीं नज़र भी नहीं आ रही हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तो उमेश कुमार जी का कहना है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो सारे डायलॉग आपको इसी तरह के सुनने को मिलेंगे और इन पर सोशल मीडिया पे रील्स और शॉर्ट्स की भी धूम मची हुई है।